में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कंधों में जकड़न है, फ्रोजन शोल्डर की किसी को समस्या है, हाथों में नमनेस आ जाती है, हाथ सुन पड़ जाते हैं, हाथ को ऊपर उठाने में पीछे लेकर जाने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है और ये समस्या मैंने देखा है कि सर्दियों में बहुत लोगों को होती है। यह समस्या होने के कई कारण है, जैसे हमारा जब उठने बैठने का जो तरीका है वह गलत होता है तब भी यह समस्या हो जाती है, बॉडी में वीकनेस है, एनेमिक होने पर भी हो जाती है ये प्रॉब्लम, गलती से आपने वजन गलत तरीके से उठा लिया, या जिनका सिटिंग वर्क ज्यादा होता है, नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी के कारण ये समस्याएं आती हैं। जब वहाँ पर जिस ऑर्गन से रिलेटेड जो नर्व वहाँ से निकल रही है, जब उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई ब्लॉकेज है, तभी ये समस्याएं शुरू होती है। यह समस्या गर्दन से स्टार्ट होकर हाथ के लास्ट तक आ जाती है, कई बार लिखने में भी समस्या आती है और पूरा हाथ सुन पड़ जाता है। आज हम एक्यूप्रेशर पॉइंट जानेंगे जिससे हम इस प्रॉब्लम को बिना टाइम वेस्ट किए ठीक कर सकते हैं और बिल्कुल गारंटेड इससे यह प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ लोग इतने बिजी होते हैं कि उनके पास अपने लिए योग करने का टाइम नहीं होता है, लेकिन ये अपने आप को ठीक करने का एक ऐसा तरीका है कि आप इसको बिना टाइम निकाले भी ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए आप घर पर अपने बेड पर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, तब भी अगर आप 5 से 10 मिनट इसको कर लेते हैं, आप देखेंगे बिना मेडिसिन के भी आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन लेने से ये प्रॉब्लम पूरे तरीके से ठीक नहीं होती है, उल्टा और जो मेडिसिन आपकी बॉडी में जा रही है उसके साइड इफेक्ट और चीजों पर इसके देखे गए हैं। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप इन पॉइंट्स को दिन में 3 से 4 बार आप इन पर प्रेशर डालिए और आप देखेंगे कि बिना दवाई के आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट होता है, अगर किसी को एक शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो मान लीजिए आपको लेफ्ट शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो आपको लेफ्ट हाथ के अंगूठे की दोनों साइड को ऐसे दबाना है, दोनों साइड से आपको यहाँ पर प्रेशर डालना है और प्रेशर देने का तरीका मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। आपको यह प्रेशर इनहेल एक्सहेल के साथ देना है, इनहेल करते हुए जिस चीज से आप प्रेशर डाल रहे हैं उसको रिलीज कर देंगे और उसके बाद फिर जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे तब आप इस पर प्रेशर डालेंगे। ऐसे आप 15-20 टाइम्स एक पॉइंट पर प्रेशर डालेंगे। यही सेम आपको पैर के अंगूठे के साथ भी करना है, जैसे आपने हाथ के अंगूठे को साइड से ऐसे किया है, ऐसे ही आपको अपने पैर के अंगूठे को भी करना है। ये पॉइंट दबाने के बाद अपने अंगूठे के यहाँ से यहाँ तक भी प्रेशर डालना है, इस हिस्से को ऐसे, इसको भी आपको ऐसे ही 15 से 20 बार ऐसे ही इस पर प्रेशर डालना है। ऐसे प्रेशर डालने के लिए आपको 5 से 7 सेकंड का समय लेना है। ऐसे ही जैसे आपने हाथ के अंगूठे में किया है, ऐसे ही आपको सेम पैर के अंगूठे में भी आपको करना है। इसके बाद आपको हाथ के यहाँ पर ठीक जहाँ हमारी सबसे छोटी उंगली शुरू होती है उसके ठीक जड़ में एक पॉइंट होता है, यहाँ पर भी आपको प्रेशर डालना है। पर प्रेशर डालने का तरीका वही रहेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। ये पॉइंट उंगली के अंदर की साइड जहाँ उंगली शुरू हो रही है यहाँ बताया मैंने आपको, यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिलेगा और एक पॉइंट होता है यहाँ पर भी आप ऐसे जिनको यह समस्या है वे यहाँ पर प्रेशर डालेंगे तो उनको जिस पॉइंट पर पेन होगा आप उसको चेक कर लीजिए। वैसे तो ये पॉइंट यहाँ पर होता है ठीक जो हमारी हथेली होती है, हथेली के सेंटर में यहाँ पर, इस पॉइंट पर भी आप ऐसे प्रेशर डालेंगे। सेम ऐसे ही आपने हाथ में किया है ऐसे ही आपको यही लोकेशन पैर में रहेगी, सेम यही आपको पैर में भी करना है। एक पॉइंट होता है हमारे मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर भी आपको अंगूठे से ऐसे प्रेशर डालना है। एक्सहेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए मैंने इस पर प्रेशर डाला है। अब मैं श्वास भरूंगी और इसको ढीला छोड़ दूंगी, फिर श्वास छोड़ेंगे और इस पर प्रेशर डाल देंगे 5 से 7 सेकंड के लिए, फिर 5 से 7 सेकंड लेंगे श्वास भरने के लिए, श्वास छोड़ेंगे और इस पर प्रेशर डालेंगे। ऐसे आपको 15 से 20 बार ये भी पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। अब यही लोकेशन सेम आपको पैर में भी करनी है। आप इन पॉइंट्स को दिन में 3 से 4 बार जब भी आपको समय मिले आप इसको स्टिमुलेट कीजिए और आप देखेंगे 2 से 3 दिन में ही आपको आराम नजर आना शुरू हो जाएगा। जिनको ज्यादा समस्या है हो सकता है उनको 1 वीक लग जाए, 15 दिन लग जाए, लेकिन समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, आप इस उपाय को करके देखिए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।